नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्रेटर नोएडा में विश्व डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए बृहस्पतिवार से उज्बेकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने रियाद में सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल सऊद के साथ बैठक की। दोनों नेताओं ने वर्तमान वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की। रेलवे के कुल राजस्व में इस वर्ष अगस्त तक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 38% की वृद्धि हुई। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव कमरुल इस्लाम चौधरी ने पार्टी से त्यागपत्र दिया। पार्टी नेतृत्व पर दिशाहीन और भ्रमित होने का आरोप लगाया। द्वारिका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का अंतिम संस्कार आज मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में किया जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तेज बारिश की चेतावनी जारी की। अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स फाइनल में कार्लोस अल्काराज ने कैस्पर रूट को हराकर अपना पहला फाइनल जीता। श्रीलंका ने एशिया कप प्रतियोगिता के फाइनल में पाकिस्तान को 23 रन से हराकर खिताब अपने नाम किया। और फुटबॉल में आज कोलंबो में सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। समाचार प्रभात में मनोज के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर में विश्व डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन 15 सितंबर तक चलेगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय डेयरी उद्योग से जुड़े उद्यमी, विशेषज्ञ, किसान और नीति निर्माता सहित सभी पक्ष शामिल होंगे। सम्मेलन का विषय है पोषण और आजीविका के लिए डेयरी। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन में 50 देशों के करीब 1500 प्रतिभागियों के भाग लेने की संभावना है। इस तरह का पिछला सम्मेलन भारत में लगभग आधी सदी पहले 1974 में आयोजित किया गया था। भारतीय डेयरी उद्योग इस मायने में अद्वितीय है कि यह एक सहकारी मॉडल पर आधारित है जो छोटे और सीमांत डेयरी किसानों, विशेषकर महिलाओं को सशक्त बनाता है। सरकार ने डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं और इसके परिणाम स्वरूप पिछले 8 वर्षों में दूध उत्पादन में 44% से अधिक की वृद्धि हुई है। भारतीय डेयरी उद्योग की सफलता की कहानी इस सम्मेलन में दिखाई जाएगी, जिसकी वैश्विक दूध में 23% हिस्सेदारी है। भारत में सालाना करीब 210 मिलियन टन दूध का उत्पादन होता है और इससे 8 करोड़ डेयरी किसान सशक्त हो रहे हैं। इस सम्मेलन से भारतीय डेयरी किसानों को दुनिया की सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में जानकारी हासिल करने में भी मदद मिलेगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, ग्रेटर नोएडा। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में केंद्रीय डेयरी, मत्स्य और पशुपालन मंत्री परशोत्तम रूपाला ने बताया कि इससे दुग्ध उत्पादकों को अत्यधिक लाभ होगा। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का ये समिट 2022 के माहौल में हो रहा है, जब भारत की इकोनॉमी ब्रिटेन को हटाकर अपना स्थान 5वें नंबर पे दर्ज करा रही हो। दूध उत्पादन में भारत वैसे भी पूरे विश्व में 1 नंबर पे है और इसी के चलते इस क्षेत्र को वजूद देने के कारण प्रधानमंत्री श्री ने इस कार्यक्रम को इनोग्रेट करने का स्वीकार किया है। ऐसे अवसर पर दूध उत्पादक के साथ जुड़े हुए एक्सपर्ट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स और विविध स्टेक होल्डर्स एक प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं। मुझे लग रहा है हमारे देश के डेयरी उद्योग के लिए एक अनुभव साझा करने का, नवाचारों को जानने को, इसको आगे ले जाने का सुवर्ण अवसर साबित होगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि गुजरात का सहकारी क्षेत्र पूरे देश के सहकारिता क्षेत्र के लिए एक आदर्श है। गुजरात के अमरेली में कल प्रमुख सहकारिता संस्थानों की वार्षिक महासभा में श्री शाह ने कहा कि प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को बहुउद्देशीय बनाने के लिए सरकार कई नए नियम लेकर आ रही है।
उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों में इन समितियों की वर्तमान संख्या 65,000 से बढ़ाकर 3 लाख करने की योजना है। उन्होंने कहा कि विकसित बीज तैयार करने और उनके विपणन तथा जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए बहुराज्यीय सहकारी समितियां बनाने की योजना भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार से उज्बेकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वे समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में इसके सदस्य देशों के नेता, पर्यवेक्षक राष्ट्र, संगठन के महासचिव, संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी ढांचे के कार्यकारी निदेशक, तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति और अन्य निमंत्रित अतिथि भाग लेंगे। इस अवसर पर क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी बैठक में चर्चा किए जाने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी कुछ देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी कर सकते हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रियाद में सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल सऊद के साथ बैठक की। उन्होंने वर्तमान वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की और G20 तथा बहुपक्षीय संगठनों में मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने भारत सऊदी अरब भागीदारी परिषद की राजनीतिक, सुरक्षा, सामाजिक और सांस्कृतिक समिति की बैठक की अध्यक्षता भी की। डॉ जयशंकर ने कल शाम जेद्दा में सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान से भेंट की। इस भेंट के दौरान डॉ जयशंकर ने उन्हें भारत सऊदी अरब संबंधों में हुई प्रगति से अवगत कराया और द्विपक्षीय संबंधों पर परिकल्पना साझा करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। डॉ जयशंकर ने रियाद में प्रिंस सऊद अल फैजल राजनयिक अध्ययन संस्थान को भी संबोधित किया। भारतीय रेलवे के कुल राजस्व में पिछले वर्ष की अवधि की तुलना में इस बार अगस्त तक 38% वृद्धि हुई है। इस वर्ष अगस्त महीने के अंत में भारतीय रेलवे का कुल राजस्व लगभग 95,486 करोड़ रुपए रहा। इस प्रकार पिछले वर्ष की अवधि के मुकाबले राजस्व में 26,271 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। रेल मंत्रालय ने कहा है कि यात्री परिवहन से राजस्व लगभग 25,276 करोड़ रुपए रहा और इसमें पिछले वर्ष की अवधि के मुकाबले 116% बढ़ोतरी हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। प्रधानमंत्री जी का ये विजन अमृत काल में है हर देशवासी का संकल्प, जिसको गति दे रहा है आपके द्वारा दिए गए एडवांस टैक्स का 1-1 रुपया। अपने एडवांस टैक्स की दूसरी किश्त 15 सितंबर तक जमा करवा के आप भी देश के विकास में अपना योगदान दें। कॉर्पोरेट्स, अन्य संस्थाएं, सैलरीड एम्प्लॉयज या फिर वो व्यक्ति जिनका TDS या TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। विज्ञापन जो सही या वास्तविक न हो वो भ्रामक विज्ञापन है और उन कंपनियों पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। दोबारा गलती करने पर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी जागो ग्राहक जागो। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्रेटर नोएडा में विश्व डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए बृहस्पतिवार से उज्बेकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने रियाद में सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैजल बिन फरहान अल सऊद के साथ बैठक की। दोनों नेताओं ने वर्तमान वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की। रेलवे के कुल राजस्व में इस वर्ष अगस्त तक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 38% वृद्धि हुई। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव कमरूल इस्लाम चौधरी ने पार्टी से त्यागपत्र दिया। पार्टी नेतृत्व पर दिशाहीन और भ्रमित होने का आरोप लगाया। द्वारिका शारदा
पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का अंतिम संस्कार आज मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में किया जाएगा। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों में गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स फाइनल में कार्लोस अल्कराज ने कैस्पर रुड को हराकर अपना पहला फाइनल जीता। श्रीलंका ने एशिया कप प्रतियोगिता के फाइनल में पाकिस्तान को 23 रन से हराकर खिताब अपने नाम किया। और फुटबॉल में आज कोलंबो में सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अगर कर रहे हैं आप, तो ऑल इंडिया रेडियो की पेशकश अभ्यास है आपके लिए। इस वर्ग का विषय है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री और आप अपने सवाल हमें 14 सितंबर तक व्हाट्सएप करें 9289094044 पर या फिर ईमेल करें abhyas.airnews@gmail.com पर। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। असम प्रदेश कांग्रेस समिति के महासचिव कमरुल इस्लाम चौधरी ने पार्टी से त्याग पत्र दे दिया है। उन्होंने अपने त्याग पत्र में कांग्रेस पार्टी को दिशाहीन और इसके नेतृत्व को भ्रमित बताया है। चौधरी ने कल कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया और ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे पत्र में चौधरी ने राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग पर अप्रसन्नता व्यक्त की और स्थिति से निपटने में पार्टी की अक्षमता का उल्लेख किया। उनका त्यागपत्र पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के कुछ दिन बाद आया है। असम विधानसभा का हेमंतकालीन सत्र आज से गुवाहाटी के दिसपुर में आरंभ होगा। सत्र के दौरान 18 विधेयक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है। भाजपा सूत्रों ने कहा कि सरकार सत्र के दौरान किसी भी चर्चा के लिए तैयार है। सत्र का समापन इस महीने की 19 तारीख को होगा। द्वारिका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का अंतिम संस्कार आज मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में किया जाएगा। नरसिंहपुर में कल उनका निधन हो गया था। वे 99 वर्ष के थे। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती 1981 में शंकराचार्य बने थे। उन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन पर शोक व्यक्त किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का अतुलनीय योगदान सदैव स्मरण किया जाएगा। वाराणसी का जिला न्यायालय आज ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले में सुनवाई के संबंध में निर्णय दे सकता है। न्यायालय का आदेश आने से पहले वाराणसी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। वाराणसी के जिला न्यायाधीश एके विश्वेस ने पिछले महीने की 24 तारीख को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके संबंध में हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के याचिकाकर्ताओं ने लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। मौसम विभाग ने अगले तीन दिन में गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि इस महीने की 17 और 18 तारीख के आसपास बंगाल की खाड़ी में चक्रवात की नई आशंका को देखते हुए ओडिशा में अधिक वर्षा होने का अनुमान है। देव बंगाल से जो एक लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हुआ था दो दिन पहले, वो साउथ ओडिशा, नॉर्थ आंध्र प्रदेश होते हुए आज सुबह साउथ छत्तीसगढ़ और एडजेनिंग एरियाज ऑफ विदर्भ और ईस्ट मध्य प्रदेश के ऊपर केंद्रीभूत है ये डिप्रेशन, और ये नॉर्थ वेस्ट वार्ड ईस्ट एमपी की तरफ बढ़ रहा है। इसके प्रभाव में सेंट्रल इंडिया में मानसून एक्टिव है और रेनफॉल भी जारी है। हमारा एक अनुमान है कि अगले दो दिन में गुजरात, मध्य प्रदेश, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र में सभी जगह पर बारिश होने के साथ साथ कुछ इलाका में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल हो सकता है और ओडिशा, छत्तीसगढ़ और गंगटी वेस्ट बंगाल में एक दो जगह पर हैवी रेनफॉल भी हो सकता है। राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों से कहा है कि वे संकट की स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
शनिवार और इतवार समेत पिछले 33 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतर भाग में भारी बारिश हुआ है, जबकि कई जिलों में औसतन 50 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं ढेंकनाल जिले में सर्वाधिक 167 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान कहती है कि बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन अब दक्षिण छत्तीसगढ़ के आसपास केंद्रित है और अगले 12 घंटे के दौरान कमजोर होने की उम्मीद है। फिर भी इसके प्रभाव से समुन्दर अशांत रहने की संभावना के मद्देनजर अगले 12 घंटे तक मछुआरों को समुन्दर में न जाने की हिदायत दी गई है। हालांकि बारिश से लखपत राज्य कल से राहत की सांस लेने की उम्मीद भी है। आकाशवाणी समाचार के लिए भुवनेश्वर से गिरीश चंद्र दास। स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने कैस्पर रूड को हराकर अमरीकी ओपन टेनिस पुरुष एकल खिताब जीत लिया है। न्यूयॉर्क में कल रात हुए 4 सेटों के रोमांचक मुकाबले में अल्काराज ने रूड को मात दी और अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। 19 वर्षीय अल्काराज राफेल नडाल के बाद अभी तक के सबसे कम उम्र के ग्रैंड स्लैम विजेता हैं। श्रीलंका ने कल रात एशिया कप प्रतियोगिता के फाइनल में पाकिस्तान को 23 रन से हराकर छठी बार एशिया कप का खिताब जीत लिया। दुबई में पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 170 रन बनाए। भानुका राजपक्ष ने 45 गेंदों पर अविजित 71 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम निर्धारित 20 ओवर में 147 रन ही बना पाई। श्रीलंका के ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा को श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। भानुका राजपक्ष को फाइनल मुकाबले में बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। फुटबॉल में आज कोलंबो में सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में रेसकोर्स इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता के बाद पिछले 75 वर्षों से लोगों तक सूचना और समाचार पहुंचा रहा है। आकाशवाणी समाचार आजाद भारत के बाद आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की यात्रा के बारे में जानकारी देता है। आज की कड़ी में हम आपको भारत में पीली क्रांति के बारे में बता रहे हैं। इसका उद्देश्य खाद्य तेल उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। खाद्य तेल के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से सरसों और तिल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 1986-87 में शुरू की गई क्रांति को पीली क्रांति के रूप में जाना जाता है। पीली क्रांति का लक्ष्य 9 तिलहन हैं, जो मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, कुसुम तिल, सूरजमुखी, नाइजर, अलसी और अरंडी हैं। खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता को कम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अगस्त 2021 को तेल बीज और तेल पाम पर एक राष्ट्रीय मिशन की घोषणा की, जिसमें घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 11,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया जा रहा है। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि किसानों को उत्तम बीज से लेकर टेक्नोलॉजी, उसकी हर सुविधा मिले। इस मिशन के तहत ऑयल पाम की खेती को प्रोत्साहन देने के साथ ही हमारी जो अन्य पारंपरिक तिलहन फसलें हैं, उसकी खेती को भी विस्तार दिया जाएगा। डॉक्टर डी के यादव, एडीजी बीज, ICAR नई दिल्ली ने कहा कि सरकार का उद्देश्य भारत को तिलहन और खाद्य तेलों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। यू कैन एक्सपेक्ट द एनहांस्ड येलो रिवोल्यूशन इन द लेबोरेटरी। वी आर इंटीग्रेटिंग द मॉडर्न जीनोमिक टूल्स नाउ एज द कन्वेंशनल ब्रीडिंग जनरली द फिनोटाइपिंग इज ए प्रॉब्लम। सो इन फॉर मेनी ऑफ द ट्रेड्स नाउ द वेरियस मार्कर्स either it is gene merit markers or the linked markers of different type of markers they are available and by using those markers we are trying to introgress the desired traits in our mustard material। आकाशवाणी ने कृषि और शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से कई आकाशवाणी केंद्रों पर फार्म और होम यूनिट्स की स्थापना की। देश भर में किसानों के लोकप्रिय किसान वाणी कार्यक्रमों के तहत तेल बीज और तेल पाम पर राष्ट्रीय मिशन के तहत खाद्य तेल की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों के लिए
सरकार के प्रोत्साहन से निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। किसान, पानी और मिट्टी के प्रबंधन, सामाजिक वानिकी, पर्यावरण संरक्षण, नए उच्च उपज वाले बीज और खेती के तरीकों के बारे में सीख रहे हैं। किसान उचित समय पर मौसम संबंधी परामर्श भी प्राप्त करते रहते हैं और यहाँ तक कि किसान आकाशवाणी के माध्यम से कृषि संबंधी सारी जानकारी भी ले सकते हैं। समाचार कक्ष से शिव प्रकाश मिश्र। सुर्खियों में सवेरे के अंतर्गत अब प्रस्तुत है विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन की तैयारी पर एक विशेष रिपोर्ट। आलेख और प्रस्तुति आनंद श्रीवास्तव की है। गौरवशाली परंपरा और बहुरंगी संस्कृति के समन्वय का देश भारत संभावनाओं को संभव बनाते हुए कई क्षेत्रों में सफलता के परचम लहरा रहा है। डेयरी उद्योग भी एक ऐसा ही क्षेत्र है जो उम्मीदों को रोशन कर करोड़ों देशवासियों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर रहा है। डेयरी जगत के लिए अवसर विशेष है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित हो रहा है विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। भारत में इसका आयोजन 48 वर्षों के बाद हो रहा है। दूध देश का सबसे बड़ा कृषि उत्पाद है जिसकी कीमत 9.32 लाख करोड़ रुपए है और इसकी वैश्विक हिस्सेदारी 23% है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अवसरों पर कहा है कि डेयरी उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण स्तंभ बनता जा रहा है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है। बीते सालों में डेयरी सेक्टर तेजी से बढ़ भी रहा है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ज्यादा कंट्रीब्यूट भी कर रहा है। और प्रमुखतया ये कारोबार ज्यादातर हमारी माताएं बहनें संभालती हैं। बीते दशकों में गुजरात में अगर गांवों में अधिक समृद्धि देखने को मिली है तो उसका एक बहुत बड़ा कारण डेयरी सेक्टर से जुड़े कोऑपरेटिव रहे हैं। शिखर सम्मेलन में वॉक थ्रू एनामॉर्फिक 3D ऑडियो विजुअल अनुभव क्षेत्र भारतीय डेयरी उद्योग के विकास और क्षेत्र की उपलब्धि को प्रदर्शित करेगा। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि इस शिखर सम्मेलन की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस सारे इवेंट की संपूर्ण तैयारियां हमारे सचिव महोदय और हमारे डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारी और NDDB के सभी अधिकारियों ने मिलकर कर ली गई है और इस इवेंट में हमारी अचीवमेंट्स, हमारी स्कोप, इन सारी चीजों की डिटेल आप लेकर हमारे पशुपालकों, हमारे छोटे किसानों और हमारे डेयरी इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए लोगों को, हमारे कोऑपरेटिव्स, इन सबों के लिए एक बहुत बड़ा समिट होने को जा रहा है जिसके जरिए आपस में अपनी अपनी उपलब्धियों, अपनी अपनी टेक्निक्स, अपने सक्सेस स्टोरीज उनको साझा करने का, समझने का एक बहुत अच्छा अवसर होने को जा रहा है। विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन की थीम है पोषण और आजीविका के लिए डेयरी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष मिनेश शाह ने बताया कि 4 दिवसीय सम्मेलन को अनूठे ढंग से डिजाइन किया गया है। आज करीब करीब 8 करोड़ फैमिली हमारी एनिमल हस्बेंड्रियों और डेयरिंग सेक्टर से डायरेक्टली जुड़े हैं और डेली इसमें से एक लाइवलीहुड का सोर्स है। तो ये दोनों चीज को ध्यान में रखते हुए न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड आवर थीम फॉर दी समिट इज ऑल्सो डेयरिंग फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड। तो हम जो लाइवलीहुड एस्पेक्ट है उसको भी साथ में हम समिट में फोकस कर रहे हैं। 12th को हमारा जो इनॉग्रेशन सेशन होगा उसके बाद 13th हम पूरे दिन लाइवलीहुड में बात करेंगे, 14th को पूरा न्यूट्रिशन पे बात करेंगे एंड देन लास्ट डे हम 15th को वी हैव ए हाफ ए डे सेशन वेयर वी विल टॉक अबाउट द सस्टेनेबल डेयरी। विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन के इस संस्करण की अनूठी विशेषता ये है कि सम्मेलन को कार्बन न्यूट्रल इवेंट के रूप में भी तैयार किया गया है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष मिनेश शाह ने कहा कि इस लिहाज से भी ये सम्मेलन अनुपम है। अगर हमें आगे जाके जैसे प्रधानमंत्री जी हमारे बता रहे हैं कि 2070 तक हमें नेट जीरो कार्बन में सारे इंडस्ट्री को जाना है तो ये हम डेयरिंग से भी शुरुआत करेंगे क्योंकि लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर हम है। उसके सामने ये भी है कि हम लार्जेस्ट कैटल होल्डिंग और बफेलो होल्डिंग नेशन भी है तो दे ऑल्सो हैव दी ग्रीन हाउस गैस एमिशन, वो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं और उससे कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को
इफेक्ट होता है। तो आगे जाके अगले 25 साल में अगर हमें सस्टेनेबल एनवायरमेंट पे जाना है तो हम कैसे आगे जाके डेयरिंग को और सस्टेनेबल बनाएंगे, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन होगा। विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन डेयरी किसानों, विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों और पेशेवरों के लिए एक बड़ा अवसर है। भारत की सफलता की कहानी विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन के माध्यम से दुनिया के साथ साझा की जाएगी, जहां हम देख सकते हैं कि डेयरी कैसे विकास और महिला सशक्तिकरण का इंजन है। अभी आप विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन की तैयारी पर विशेष रिपोर्ट सुन रहे थे। आलेख और प्रस्तुति आनंद श्रीवास्तव की थी। भारत से वित्तीय वर्ष 2021-22 में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए के रत्न और आभूषणों का निर्यात किया गया। रत्न और आभूषण क्षेत्र का निर्यात में विशेष योगदान है। पिछले 2 दशक में इस क्षेत्र में निर्यात में 9 गुना बढ़ोतरी हुई है। स्वर्ण और हीरों के व्यापार का सकल घरेलू उत्पाद में 7% योगदान है और इस क्षेत्र में 50 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है। भारत हीरो और चांदी के आभूषणों के निर्यात में विश्व में पहले स्थान पर है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। मनोज, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी विमलेंदु, दिल्ली में दिल्ली परिवहन निगम DTC की लो फ्लोर बसों की खरीद का मामला अखबारों की बड़ी खबर है। पंजाब केसरी की सुर्खी है, बसों की खरीद में CBI जांच। राष्ट्रमंडल खेल घोटाले पर जनसत्ता लिखता है, 11 साल बाद शुरू होगी सुनवाई। 600 करोड़ रुपए से अधिक के घोटालों में आरोप पत्र। अमर उजाला की बड़ी खबर है, फर्जी चीनी कंपनियों का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, भागने की कोशिश नाकाम। 33 से ज्यादा कंपनियों का खुलासा, देश की वित्तीय सुरक्षा को खतरा। दैनिक जागरण का कहना है, भारतीयों को लूटने वाली चीनी ऐप कंपनियों के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई। विभिन्न राज्यों में 1 हफ्ते से चल रहा है अभियान, भारतीय कर्मियों की भी गिरफ्तारी की संभावना। राजस्थान पत्रिका की खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उपहार में मिली 1200 वस्तुओं की नीलामी 17 सितंबर से होगी शुरू। 100 रुपए से 10 लाख रुपए में बिकेंगे प्रधानमंत्री को मिले उपहार, इस राशि का उपयोग नमामि गंगे मिशन में किया जाएगा। हिंदुस्तान बदलाव शीर्षक से लिखता है, थोक मूल्य सूचकांक में 480 नए उत्पाद जोड़े जाएंगे, विनिर्मित उत्पादों की संख्या 1026 हो जाएगी। आधार वर्ष को बदलने की रिपोर्ट पर विभिन्न मंत्रालयों में विचार विमर्श जारी, आज आएंगे खुदरा मुद्रास्फीति के आंकड़े। देश के बड़े हिस्से में मानसून की बारिश अच्छी नहीं होने की खबरों के बीच दैनिक जागरण की सुर्खी है, रकबा घटा लेकिन उत्पादन लक्ष्य बढ़ा। वर्तमान फसल वर्ष में 32.8 करोड़ टन खाद्यान्न पैदावार का लक्ष्य, धान की पैदावार में कमी संभव। कुत्तों को काटने की बढ़ती घटनाओं पर हिन्दुस्तान का विश्लेषण है, स्टेरॉयड देकर खतरनाक बनाए जा रहे पालतू कुत्ते। प्रोटीन सप्लीमेंट में स्टेरॉयड के इस्तेमाल से कुत्तों के व्यवहार में आ रहा परिवर्तन, मौका पाते ही हमलावर हो जाते हैं। राजस्थान पत्रिका की बड़ी खबर है, कपड़ों की रद्दी में अरबों का खजाना, कई देशों के लिए मुसीबत बने उपयोग में लाए गए पुराने परिधान। महानगरों के कुल सूखे कचरे में 1/3 कपड़े की रद्दी होती है। पुनर्उत्पाद परिधान तकनीकी से कई विकसित देशों ने बनाए अन्य उत्पाद, कमाए लाखों डॉलर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्रेटर नोएडा में विश्व डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए बृहस्पतिवार से उज्बेकिस्तान के 2 दिन के यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने रियाद में सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैजल बिन फरहान अल सऊद के साथ बैठक की। दोनों नेताओं ने वर्तमान वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की। रेलवे के कुल राजस्व में इस वर्ष अगस्त तक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 38% की वृद्धि हुई। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव कमरुल इस्लाम चौधरी ने पार्टी से त्यागपत्र दिया, पार्टी नेतृत्व पर दिशाहीन और भ्रमित होने का आरोप लगाया। द्वारिका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का अंतिम संस्कार आज मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में किया जाएगा।
मौसम विभाग ने अगले तीन दिन में गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तेज बारिश की चेतावनी जारी की और श्रीलंका ने एशिया कप प्रतियोगिता के फाइनल में पाकिस्तान को 23 रन से हराकर खिताब अपने नाम किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।